शादी के नाम पर ठगी कर फरार होने वाली एक लुटेरी दुल्हन एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है। इस खबर के बाद हड़कंप मच गया। महिला को पुलिस ने मई के महीने में गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था। जेल में वो बीमार रह रही थी, जिसके बाद जब जांच कराई गई तो महिला एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है। महिला शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में 5 बार एक रात की दुल्हन बन चुकी है। अब महिला के संपर्क में आए उन दूल्हों की भी जाँच कराई जा रही है। पुलिस ने 6 मई को दुल्हन समेत 7 आरोपियों के गैंग को पकड़कर इस पूरे गैंग का खुलासा किया था और तब से ही ये लुटेरी दुल्हन जेल में बंद है। पिछले दिनों दुल्हन ने तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन से एचआईवी टेस्ट कराने की मांग की थी। इस पर जब जांच कराई गई तो वो एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि एक रात की दुल्हन बनने वाली महिला अब तक 5 शादियां कर चुकी है और एक के बाद एक शादी करने के बाद वो अपने पति को, अपने ससुराल को लूट कर फरार हो जाया करती थी। आज थाना तितावी पुलिस द्वारा एक लुटेरी दुल्हन गैंग का एक सफल भांडाफोड़ किया गया है। ये गैंग का एक गिरोह की तरह काम करती है, जिसमें ये सब अलग अलग सदस्य मिलकर के एक लड़की की शादी जो है अलग अलग दुल्हनों से शादी करवाते हैं। सब गैंग के मेंबर कोई लड़की की माँ बन जाता है, कोई उसकी मौसी बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, कोई उसका भाई बन जाता है। ये सब लोग उसकी शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद जो शादी में मिलने वाले गहने हैं या ससुराल में जाने के बाद घर में जो भी गहने पैसा विश्वास में लेकर के जो हाथ आए उसको लेकर ये फरार हो जाते हैं। इसी प्रकार की घटना की एक तहरीर थाना तितावी पर 1 मार्च को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद थाना तितावी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज थाना तितावी पुलिस द्वारा लगातार उसमें जांच कर करके आज उस गैंग को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गैंग से चोरी किए गए सारे आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं और इनके पास से 4 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, जो अलग अलग आइडेंटिटी यूज करके ये अलग अलग लड़कों से शादी करते हैं। इनके मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं, जो FSL भेजे जाएंगे, जिनसे और कोई एविडेंस जो है, जो और इन्होंने अन्य शादियां किया हो या अन्य किसी को फंसाया है, उसके भी एविडेंस इस पे मिल पाएंगे। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि ये पहले जो है लूट और बाइक चोरी के मामलों में भी संलिप्त रहे हैं।